सभापति जी, मैंने पिछले सत्र में 13 तारीख को एक प्रश्न का नोटिस दिया था, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री से यह जानना चाहा था कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने से पहले क्या उन सदस्यों से सलाह मशविरा किया जाता है जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। किंतु मुझे संसदीय कार्यालय से यह उत्तर मिला कि यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और इस संबंध में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से मैंने पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के संबंध में एक प्रश्न का नोटिस दिया था, किंतु वह प्रश्न भी स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं कि जब सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया जाता। संसदीय कार्य विभाग द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि प्रश्नों को स्वीकार या अस्वीकार करना लोकसभा सचिवालय का काम होता है। संसद के कार्य संचालन के लिए कार्य संचालन समिति द्वारा नियम बनाए गए हैं, जिनके अनुसार ही किसी प्रश्न को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। किंतु संसद की कार्यवाही के दौरान जो पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उत्तर मंत्री जी अपनी इच्छा अनुसार अथवा अध्यक्ष के निर्देश पर दे सकते हैं। इन दोनों बातों में असंगतियां हैं। एक ही प्रकार के प्रश्न उत्तर देने के लिए अस्वीकृत हो जाते हैं, लेकिन पूरक प्रश्नों के रूप में पूछे जा सकते हैं और उनका उत्तर भी मिल जाता है। मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री महोदया संबद्ध मंत्रालयों को इस बारे में निर्देश दें और नियम स्पष्ट रूप से बनाएं। पिछली ही बार कृषि और सिंचाई मंत्री ने निर्माण और आवास मंत्री की बातों से सहमति प्रकट करते हुए बताया कि भयंकर बाढ़ और सूखे के कारण लोगों के पुनर्वास की समस्या उठ खड़ी हुई है। वित्त मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रेल मंत्री, गृह राज्य मंत्री और नागरिक पूर्ति मंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण करने के लिए गए थे। उन्होंने उप प्रधानमंत्री को सारी स्थिति से अवगत कराया। रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद तुरंत राहत कार्यों को किए जाने के लिए जोर दे रहे थे। डाक और तार विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत संचार साधनों को फिर से चालू करने के प्रयत्न किए। रेल मंत्रालय में उप मंत्री स्वयं विशेष रेलगाड़ी द्वारा राहत सामग्री के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंच गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने
आवश्यक दवाइयों का प्रबंध किया ताकि महामारी ना फैल सके। निर्माण और आवास मंत्रालय के अधिकारी उजड़े हुए लोगों के पुनर्वास के कार्य में जुट गए।